ये तमिलनाडु में लगातार काटा जा रहा है हमारे बिहारी वासियों को, पता होगा इस पे तो हम यही कह सकते हैं हमारा जो बच्चे का है काम करने के लिए वापस आ जाए। पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, उसके बारे में पता है आपको? हाँ पता तो है, पता है, वीडियो देखे होंगे कहीं ना कहीं तो आप देखे। दो मिनट रुक जाइए, रुक जाइए सर, दो मिनट रुक जाइए। देखिए कि जो हमारे तमिलनाडु में हमारे बिहारी जाकर कमा रहे हैं, वहाँ काटा जा रहा है, वो वीडियो देखे हैं आप? हाँ। देखे हैं ना? हाँ, देखे हैं। जो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पर, क्या बोलिएगा सरकार के लिए? लाखों आदमी अभी आपको देख रहे हैं, बोलते जाइए। ऐसे तो है कि हमारा जितना बिहारी हमारा बिहार में वापस आना चाहिए। बहुत ही बड़ा खुलासा चाचा जी के अंदर, ऐसा आदमी चाहिए जो हमारा भी एक लड़का है उधर तमिलनाडु में। हाँ अच्छा, चेन्नई में है, चेन्नई में। वो कहता है कि जो 20 किलोमीटर पर दूरी पर काम हो रहा है, जो काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो हमने बोला कि ये सुनिए, आप लोग घर चलाइए, अगर पैसे नहीं है तो हम पैसे भेजते हैं। पैसा बिल्कुल बिल्कुल आपका बात सही बोले हैं। तो इस पर सरकार को रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। सरकार को हम लोग जिता देते हैं, हमारे बिहारी मजदूर जाकर वहाँ कमा रहे हैं, काटा जा रहा है, लगातार वीडियो आ रहा है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को, तो इसको क्या बोलिएगा? दो टूम और बोलिए, लाखों लोग अभी आपको इस पे तो हम यही कह सकते हैं हमारा जो बच्चे का है काम करने के लिए वापस आ जाए। मतलब सरकार एक्शन नहीं लेती है, नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, तो वापस आ जाए अपने देश सही सलामत, वापस आ जाए, आ जाए। बहुत ही अच्छी बात चाचा जी का, जो बिहारी इनका लड़का भी वहाँ पर है, जो अभी बातों हुआ था सही है। हाँ हाँ, वो कहता है जो हमारा 20 किलोमीटर के दूरी पर वो काम हो रहा है। हमने कहा 20 किलोमीटर पर दूरी पर हो रहा है, हाँ। तो आप जल्दी आ जाइए, 20 किलोमीटर पर आप भी, वो भी आ सकता है। हाँ, खतरनाक काम कर सकते हैं, कभी आ सकता है। हाँ। कभी आकर हमला हो सकता है, जो लगातार अभी सोशल मीडिया पर तमिलनाडु में बिहारियों को काटा जा रहा है। हाँ। ये सरासर गलत है और इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए। आपका कहना है क्यों ऐसा काम हो रहा है? देखिए यहाँ बहुत ही बड़ी खुलासा जो चाचा जी का, बहुत ही अच्छी अच्छा इनसे हमको मिला लोकर, और काफ़ी अच्छा बात बोले हैं जो तमिलनाडु पर लगातार। चलिए बहुत ही धन्यवाद आपका, और लगातार कैमरामैन फोकस करते रहिएगा, दिखाने का प्रयास जारी रहेगा जो अभी जी ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, और ग्राउंड लेवल स्टार्ट है, और कुछ लोगों से फिर मिलते हैं, फीडबैक कैसा रहता है। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, थोड़ा उस साइड आ जाइएगा, कैमरामैन इस साइड आ जाइएगा, और कुछ लोग आ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, मैं लगातार दिखाने का प्रयास जारी रखूंगा। जो कि एक चाचा जी मिले हैं मित्रों, काफ़ी अच्छा फीडबैक देकर गए हैं, और तमाम लोग यहां आ रहे हैं, उन लोग से भी कुछ बातचीत करेंगे। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, जैसे कि यहाँ अभी क्राउड फिर काफ़ी रहे हैं, जो आप लोग को दिखाते हैं। सर रुक जाइए भाई साहब, एक मिनट, आप लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं? अरे नहीं, हम ऋषिकेश से आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा जगह से? चलिए दूसरा जगह से आ रहे हैं। तमाम अभी भीड़ यहाँ पर है, जो आपको लाइव रिपोर्टिंग स्टार्टिंग है इस ग्राउंड लेवल पर, और कुछ लोगों से बात। चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? राम सूरज यादव। जैसे देख रहे हैं तमिलनाडु में हमारे बिहारियों को काटा जा रहा है, उस पर क्या बोलिए? देखे हैं ना वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है, हमारा सरकार भी इस पे एक्शन नहीं ले रहा है, क्या बोलिएगा? दो टूम बोलिए, लाखों लोग अभी आपको देख रहे हैं। ठीक जी, दो टूम बोलिए ना, जैसे तमिलनाडु में काटा जा रहा है हमारे बिहारियों को, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिएगा? चलिए, ये नहीं बोलना चाहते हैं, दूसरे किसी को लेते हैं, यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे, मैं दिखाने का लगातार प्रयास करूँगा दोस्तों। और यहाँ पर भी है, आप लोग को शायद पता होगा चाचा जी, जो तमिलनाडु में हमारे बिहारियों को काटा जा रहा है, बाहर वहाँ कमाने गए हैं, उसके बारे में पता है ना? हम तो कल से टीवी नहीं देख रहे। अच्छा, नहीं देख रहे? लगातार सब दुनिया लोग जा रहा है उसमें, जितना अगर आपके घर परिवार में कोई गया है तो उनसे पता आपको चल जाएगा। चलिए, टीवी नहीं देखा आपको? काल से कालो ना देखनी है, आजो ना देखनी है। टीवी तो हम टीवी तो हमेशा देखते रही है, मैंने दो दिन। लेकिन ये 5 दिन का मैटर चल रहा है, जो तमिलनाडु में बिहारी जो अपना गए हैं उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, और खुलियाम काट कर दी। पूरा वायरल चल रहा है लगातार, इस पर सरकार भी रोक नहीं कर रहा, सरकार बैठा हुआ है, हमारे बिहारी भाई वहाँ फंसे हुए हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए ना सरकार एकदम। हमें अब देखी हुए माने हमारा को है, बार लोग यहाँ आ रहे हैं, कैमरामैन फोकस करते रहिएगा, हम दिखाने का प्रयास करूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात सही है, और लोगों को हम रोकते हैं और बातचीत करेंगे। आप लोग कैमरा पर बने रहिएगा, जैसे कि यहाँ भी यार सर 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है,
ये चाचा जी आ रहे हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। चाचा जी दो मिनट रुक जाइए। जैसे कि हमारे बिहारी वासियों को तमिलनाडु में काटा जा रहा है, वो वीडियो शायद देखे होंगे, अभी न्यूज चल रहा है काफ़ी ज़्यादा एथी में, आपको पता है? ना पता नहीं। नहीं है, जो बिहारी हमारे गए हैं तमिलनाडु में कमाने के लिए, वहाँ पर काटा जा रहा है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसको बारे में पता है? नहीं पता नहीं। चाचा जी को इधर लीजिए दो मिनट, चाचा जी आप भी रुक जाइए। जैसे कि बिहारी हमारे गए हैं तमिलनाडु में, तो उनको काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, उसके बारे में पता है आपको? हाँ पता तो है। पता है, वीडियो देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो आप देखे होंगे। हाँ पता है, पता है। तो इस पर सरकार भी एक्शन नहीं ले रहा है, इसके बारे में क्या बोलिएगा? दो तुम बोलते जाइए, लाखों लोग अभी आपको देख रहे हैं सर। देखिए अगर ऐसा ऐसा अगर नहीं सरकार जी 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 सरकार ऐसा नजर नहीं दिया जी, तो वहाँ का आदमी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह पाएगा। रोजगार भी तो नहीं है जब बिहारी कमाएगा लोग, उसके लिए भी सरकार को देखना चाहिए ना। जी जी सर दो मिनट रुक जाइए। चलिए चाचा जी बहुत ही अच्छा फीडबैक है, कैमरा मैन इस साइड आइएगा, लगातार ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग चल रहा है। जैसे कि सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, इस साइड से लीजिएगा, देखा जा रहा है, शायद आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल चल रहा है, जो तमिलनाडु में काटा जा रहा है, उसके बारे में दो टूम बोलते जाइए, जो सरकार भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है, उसके बारे में क्या बोलिएगा? सरकार टीम भेजी है, भेजी है। तो चलिए इनका कुछ फीडबैक रहा है कि सरकार टीम भेजी है और लगातार जो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाए हैं, तमाम लोगों से मिले हैं, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए आगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि तमाम लोग यहाँ से जा रहे हैं और रोकेंगे और किसी को, आप लोग को बने रहिएगा, जो तमाम लोग आ रहे हैं। सर दो मिनट रुक जाइए, दो मिनट रुक जाइए सर, चलिए उधर कैमरा करते रहिएगा, जैसे कि ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग है। सर रुक जाइए दो मिनट और तेज में चलते रहिएगा, बातचीत होगा आप लोग को, लाइव रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है ग्राउंड लेवल। जैसे कि सर आपको पता होगा कि जो तमिलनाडु में लगातार काटा जा रहा है हमारे बिहारी वासियों को, पता होगा जी? थोड़ा बहुत पता है। वीडियो तो देखे होंगे वायरल जो चल रहा है, उसके बारे में क्या कहिएगा? सरकार भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है और लगातार कैमरामैन फोकस करते रहिएगा इस साइड। सर उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? दूटूम बोल दीजिए। क्या सरकार की कमी से है? सर गलत है ना, सरकार की कमी से है, कमी से है, इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हाँ हाँ। तो देखिए जो मतलब जो जान रहे हैं उसके बारे में जरूर बोल रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं लोग इसमें। चलिए और लगातार आप लोग को दिखाने का प्रयास जारी, बहुत ही अच्छा फीडबैक आपसे मिला, और चलिए इस साइड भी दिखाते रहिएगा और ऐसा कुछ फीडबैक रहा ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के साथ, और रुक रहे हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं, आप लोग को लाइव तस्वीरें जो ग्राउंड लेवल पर अभी मैं दिखा रहा हूं, और आप लोग बने रहिएगा। चलिए कुछ ऐसा फीडबैक रहा, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा, और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।